जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। चुनावों का माहौल लगातार जारी है और सभी राजनीतिक दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं जनता को लुभाने का, और इसी के चलते कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और उधर मध्य प्रदेश में अभी चुनाव प्रचार जारी है। इसी के चलते मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी रैली को संबोधित किया और साथ ही 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया है जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। उन्होंने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी समाज के नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी भी उभरने नहीं दिया है और साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि इसी मानसिकता के चलते ये लोग दिन रात मोदी को गालियां देते हैं और साथ ही पूरे ओबीसी समाज को भी गाली देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं गरीबी से बाहर आ गया हूं, मुझे किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि गरीबी क्या होती है, मैं गरीबों का दर्द महसूस कर सकता हूं। इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने अपने मन में एक बड़ा निर्णय लिया है कि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर में पूरी हो गई तो हम अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन की गारंटी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि मोदी ने आगे दावा किया है कि कांग्रेस शासन के विपरीत बीजेपी शासन में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, यही सबसे बड़ा अंतर है भ्रष्ट कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में। आगे मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का सिर्फ ढोंग कर रही है क्योंकि यह मालूम है कि जीतने वाली तो है नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी हर किसी के मन में है, युवा हो, बूढ़ा हो, महिला या पुरुष, सबके मन में है और सिवनी में इस बार फिर से बीजेपी सरकार के लिए तैयार है। और पीएम ने कहा कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ और बीजेपी का नारा है गरीबों का पैसा गरीबों के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, और यही मोदी की विशेषता भी है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार, मुझे दीजिए इजाजत।